12:15 का टाइम हो रहा है, लेबर लोगों को बड़ा बड़े आनंदित होते ही नहीं मालूम है, तुम हनुमान जी के काम में विघ्न डालोगे तो एक बार दो बार तो नोटिस देते हैं, बाद में अंजाम क्या होता है ये सोच लो। खैर, अब ये 40 साल 50 साल से पुराने हमारे यहाँ, अब इनकी उम्र हो गई, दिमाग भी पूरा काम नहीं करता है, तो हम तुमका हुआ तक देखे गए रहे मोल तक, तो हुआ तुम का पैदल आए हो कि साइकिल से आए? हवा। अच्छा, तो हवा भरे जाए। हाँ वही तो, हम कहे इतना देर का है हुआ। अच्छा खैर, एक तुम थोड़ा सा ऐसे दिखाओ, मैं उंगली न छुए, खाली बाहर बाहर से पकड़ दो इसका, ए अच्छे, हाँ बस ऐसे दिखाए रहो, देखिए आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, दिखाओ। अब देखिए 23 तारीख में 23 सितंबर 2022 है, इतना सामान लेके मैं, अब तो पुराने लेबर, हमने कहा चलो थोड़ा चना देंगे तो दीवार खंभे खंभा रख लेना, क्योंकि यहाँ ये कप्तान साहब का बंगला है, जबकि थाने के सबसे बड़े मालिक, और ये जज साहब के सबसे बड़े जज साहब की यह बंगला है, बगले बगल है दोनों, और वह कहती है वहाँ तमाम पुलिस वाले बैठे रहत पहरा पड़त, तो तुम यही जवाब अभी आगे बता दे रहे, यही खंभा जगत मुठी एक पुटी चना रख दो, फिर गोला बाजार के लगे है बगले में, वहाँ चल के चना रख दो, तुम चले जाओ ठीक, बाकी हम अपन कीन करें। तो वो एक मैं उपाय बता रहा हूँ, मेरी उम्र देखो, मेरा काम देखो, ना कोई रिश्तेदार ना कोई हनुमान जी का भगत, बस आप बड़े अच्छे हैं और भोले के भगत, और मार मंदिर में पूजा मार घंटी यो घंटा, हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि सेवा से बढ़ के कौन सा धर्म है, सुनेंगे सब, लेकिन फिर वही पूजा, फिर वही मंदिर, फिर वही आडम्बर। अरे सेवा करो या तो सेवा करो, ये देखिए एक नमूना दिखाएंगे, देखो ए बोझा नंबर वन, ये बोझा नंबर टू, ये बंदर यहाँ नहीं मिलेंगे, हम दीवार में रखवाएंगे, अपने शाम तक खाएंगे। बोझा नंबर दो, सब अकेले लाद कर आए हैं, देखो बनिए की दुकान इसके अंदर। अब बोझा नंबर वो स्कूटर बना रहा हूँ, अगर नहीं समय से देंगे ना तो मर जाएंगे, ये भी जान जाइए, मौत आ जाएगी, जो रामलाल सिंह अयोध्या सिंह 5-6 महीने हो गए, एक तो डोनेट कार्ड वालों गलती, थोड़ा थोड़ा 5,000 लो 10,000 लो, अरे वो पूरा पेमेंट उसको बिल लाओ, कितने के एस्टिमेट है, एस्टिमेट देखो, बिल उसको दे दो, काम खत्म। उसको एक मिल गया बहाना 5-6 महीने से, वो बैटरी वाला होता थी, हमको ये हमारी दुर्दशा होती, देखो जहाँ कपड़ा टच कर रहा है वहाँ पसीना पी रहा है, यानी पसीने से मैं नहा रहा हूँ, अभी से भी महीन कपड़े का जो करें हम करें, सबसे महीन कपड़े का कुर्ता हम पता लगा मैं, क्योंकि भयानक गर्मी पड़ रही उस समय। देखिए एक झोला दो झोला, ये पेटारा नंबर तीसरा खुलेगा, ए ए वजन देखो, ए यह वजन देखो, अब इसमें यह रोटी भरी हुई है, बस देखते जाओ। अब ये सब झोला नहीं कि बेड को मरम्मत कर लें, सब झोला बनाने वालों ने लापरवाही किया, ये देखिए रोटी है और इसके नीचे फिर चना है, ये देखिए दो झोले में चना, एक वहाँ के लिए एक यहाँ के लिए, आधी रोटी यहाँ के लिए, कमरा के ऊपर से हो गया। एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बंदर का पता नहीं है, ये चना बांटेंगे तब तक हम भी यहाँ वहाँ घूमेंगे, अब जहाँ भी खतरा वहाँ भी खतरा मुसीबत, और बंदर में इसी के अंदर रहेंगे इसी के अंदर घुसे होंगे, कई बजे निकलेंगे, शाम को 5 बजे आराम से, और या तो उनका एसी है, आज हमको एसी में नहीं दिखाई पड़े, तो कैमरे हमको दे दीजिए, सारी पूजा मेरे भगवान आज तक किसी को है भाई, पूजा किए हो, मंदिर मस्जिद की बातें आप लोग करते हो, कोई भगवान खुदा मिला किसी को आज तक है, जो इंसानियत चली गई, दो चना टांग लो, तो बस एक एक मुट्ठी देखो, जहाँ तो थोड़ा दिक्कत है, पहले यहाँ रख लो 2-3 खंभा, फिर तुमका हाँ 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 देखो एक जने आए दर्शन कर दे दिए, दाओ दाओ तुम चना लेके आओ, एक लगे आ जाए कोई चिंता नहीं, ये जब देख रहे हैं कि खाना पीना एकदम युवराज हैं, हम बहुत मारेंगे युवराज, अच्छा ए दे दे दे, अरे हमको डरवा के भाग गया, देखो दे दे ए युवराज, कोई बाहरी आया है देखो, हाँ ले एक एक मुट्ठी
खंभा में रख दो, जहाँ देखे निगाह पड़ी, लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन टोक देना। हिंदू हैं जी, हिंदू हैं, यहाँ मत खिलाओ वहाँ मत खिलाओ। पकड़ के गर्दन दाब दिए हैं कि मतलब क्या भगवान ने तुम्हें को बनाया है कि बच्चे पैदा करो, रिश्वत लो, बेईमानी करो, घोटाला करो, हैं आइटम बम फोड़वाओ, इसीलिए तुम दुनिया में आए हो। जनता आंधी है, जनता हमारा सपोर्ट करे तो हम आंधी आंधी आ जाए। कोई भी नेता बड़ा डीसी ए बस आगे न जाओ, बस यहाँ रखो मचाई, बस उठे खरधारे में न घुसो भैया, तुम रखो मचाई, चलो कोई आप सांप ससुरा छिपा बैठा हो, बस आओ चले आओ, यहाँ रखो, ए बहुत ज्यादा ज्यादा न रखो, बीचों बीच न रखो, नहीं बंदरवा जो हाथ मरी है हाँ हाँ नहीं थोड़ा इसे हल्का रखो। आओ क्यों वो शौकीन शौकीन जी जो है कहना आते तो कह रहे हो दिक्कत हुई, हमने कहा हमारी हमदर्दी थी, तुमको सुबह बता देते और राजा साहब से फोन करते। सिद्धार्थ जी बेचारे ऐसे काम में लगे नहीं, इतना हीरा आदमी है कि क्या बताने हैं, लेकिन काम उनकी प्राइवेट कंपनी की ड्यूटी है, प्राइवेट कंपनी की ड्यूटी है, सुबह से लेकर रात 10 बजे 11 बजे तक लगे रहते हैं। जाओ यहाँ से घुसो, यहाँ खरधार नहीं, भाई खंभे खंभा सुनो, खंभा और दो खंभन के बीचों में जरा जरा रख दो, हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा हल्की मुट्ठी रखे, आखिरी तक चले जाओ खंभे खंभा रखते हुए। अब आए केवल यही चना रख दें, इनके दे देंगे 20 रुपये लो भैया पकड़ो जाओ सीधे, इनको उतने ही जरूरत की है। अभी हमारी बेटी ने फोन किया, अरे भैया पापा जी अकेले हैं, 2-4 दिन वहीं पड़े रहो, सारा राशन पानी खाना पीना सब फ्री, पैसा ऊपर से कमाओ, लेकिन ना और घर में कोई नहीं, दो लौके जवान बेटे इनके मर गए दोनों, फिर भी घर आप पर कौन घर ना कहीं हमारे घूमनी आओ तो बताओ, अगर रात में तुम्हारे चक्कर घूमनी मतलब चक्कर आ गया तुम सबसे तुमको कौन पूछेगा, और यहाँ शहर में रहोगे तो हम 4 आदमी हम हैं हमारे भतीजे हैं, हमको बुला के तुमको अस्पताल में तो हम उठा के ले जाएंगे, हैं तब घर में पड़े पड़े मर जाओगे सड़ जाओगे तब पता लगेगा ना हम लोगों को, हमारे यहाँ होगा बगल में अस्पताल है, फट से गाड़ी में दादा अस्पताल पहुँचा दिया, हमारी बेटी की गाड़ी है, भतीजे की गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, सब साधन हम कर सकते हैं, लेकिन देख वही दारू दारू हम कहा तुमको पीना है तुम रात में पियो दिन में तुम पियो पड़े रहो चुपचाप, हालांकि पी के कोई अरबा शरबा नहीं बकता है, लेकिन पीने के बाद इसका दिमाग उमाग तो आज कैसे मिल गए, नहीं तो हमने इसको कहा फिर वहाँ तक गए चौराहे तक, वहाँ सड़क की मरम्मत आप देख लेना तो कलेजा पकड़ के बैठ जाइए, बड़े बड़े अड्डे बीचों बीच सड़क में बिछाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें से कैसे लोग आ जा रहे हैं उसको वो सीन अगर आप देख लें, लेकिन ना कोई मतलब नहीं। अभी रख देंगे तो शाम को बंदर आएंगे अपना खाएंगे, बीज भंडार जाएंगे, हो सकता है बंदर वहाँ मिल जाए, ये शाम को मिलते हैं या सुबह मिलते हैं, हमने कहा हम शाम को रखेंगे इतना सारा सामान, हैं शाम हो गई पानी बरसेगा, अकेले हमने लादा है इसको, फिर ला देंगे उसी गाड़ी में, ये साइकिल से आया है, हम पैसा दे देंगे यहाँ से गाँव, अब इन सामान ला दें हम इनको ला दें, हैं हमारी 85 साल की उम्र है, हम पूरे हिंदुस्तान को तो नहीं ला पाएंगे, इसलिए यहाँ बात करते हुए आ गए कि गाय जो है तो आ गई तो हो गया काम, चलो तो अच्छा है, हम शहर में खड़े हो जाए सब यहाँ होते कितना काम आसान, लेकिन शाम को निकलती है उनकी सवारी, कभी इसी के अंदर से निकलेंगे शाम को, कभी यहाँ से कभी ये वहाँ इनका एसी बना है तो वहाँ बांटेंगे, फिर भुवन सिंह भी चोट खाए पड़े हैं, यही है दिक्कत, तो जो करो हम ही से हनुमान जी हमको ना हम ना हम एक्सीडेंट हमारा करवाते हैं, एक एक्सीडेंट हुआ तो उसी में सब सारे कर्म मेरे हो गए, मौत के मुँह एक परीक्षा थी, उससे हमारा हौसला बढ़ गया,
13 नवंबर 2018 को कितने बंदर मरे हैं। मैं जब चोट खा के मैं घर में पड़ा था, पागल हो गया था उस समय भी बंदर आया। इसमें कठिन परीक्षा हो रही थी। हाँ, ये ऐसा है कि अचानक नहीं मालूम था, आप निकल जाइएगा। अचानक हम लोग अंदर नहीं गए हैं, यहीं थोड़ा थोड़ा रेलवे ऑफिस है, उनका भी कहना ठीक है, भाई रास्ते में कोई आम ज़्यादा आना जाना है नहीं, इसी ऑफिस में काम करती हूँ। और देखो अपने साइकिल भी बेचू की खड़ा किया, और हाँ और उसकी चाल यही है, जवान रहे तो उनकी यही चाल। लाद बांध करके चलेंगे बीज भंडार। शौकीन उसका नाम है, शौकीन और कुतुनिया दाढ़ी रखे, कहीं खरोंच लग गया जरा सर, वो लग गया तो बस भाई घुटने में ठोकर लग जाता है तो आदमी अच्छा लंगड़ाता है, अपनी लापरवाही से मरे हैं क्या बताने। हाँ आओ लाओ लाओ, कोई बात नहीं, चलो एक हम पानी में डाल देवे, इतना होगा इतना इनका मिली तो कम से कम। अब एक काम करो, यह का पहले उठा के आगे रखो, एक इनका लाओ। हाँ या रुक जाओ, तुम्हें क्या देखो, हम रख लेगा अपने हिसाब से, क्या दिखाओ बीच में नाम भी लगाए, यही में दिखाओ एक अंदर देखा रहे तो लगाओ। साल का लौंडे का काम देख रहे हैं यार, जैसे गधे के ऊपर लाद जाए ये लगा, ये देखो अब सब आते हैं यहाँ खा लेते हैं, काम छुट्टी मिलती, लेकिन अब हम शाम का इंतजार करेंगे, कोई है नहीं, ऐन मौके पर कोई बहाना बताएगा, कोई बहाना बताएगा, इसलिए भगवान ऐसा लोगों को बुद्धि किया है तो उनका विनाश कैसे होगा। अब लाओ, अब तुमका कहाँ चलना है, ऐसे चलो गोरा बाजार चौराहा, ठीक, बस 10-15 मिनट का काम है तुमका, 15 मिनट पर छोड़ देवे, यहाँ से चलना है गोरा बाजार चौराहा। गोरा बाजार चौराहे से किधर घूमे का है, बस्तेपुर कैद का, सुनो तो बस्तेपुर नहीं जाना, अरे राम जी के मामा के मकान जाना था पाड़न के, वो पाड़न के मकान के आगे से तुम आगे कैद बढ़ो थोड़ा सा, तो बीज भंडार है, बीज भंडार है, हम तुमका मोड़े पर मिल जाओ बस, वही अंदर आए के चनन का वही जहाँ जहाँ भाई जहाँ बाहर जो छीट जो बस हुए तुम रवाना हो जाए, बाकी हमका जो मिल है हुआ हुआ वाले को उम्मीद है तो हम घंटा दो घंटा खवैबे उनका, ठीक। तुम चलो गोरा बाजार चौराहे से वही कृष्ण कुमार के पाड़न के मकान से आगे बढ़ो, हम पहले पहुँच जाइए, वैसा बीज भंडार बोलत जहाँ सरकारी बीज मिलत, देख रहे हैं आप। प्रचंड गर्मी, हमारी उमस के पूरे उत्तर प्रदेश में भारत में हाहाकार मचा है, पानी पानी पानी, यहाँ कोई पानी का पता नहीं, केवल जरूरत भर का पानी देता है बस, केवल जरूरत भर का, बोला है क्या भाई, केवल जरूरत भर का पानी। चले भाई देखते जाओ, कैमरे को नहीं बंद करेंगे, बीज भंडार में फिर से चालू करेंगे।